आज जो हम बना रहे हैं बादाम हलवा, उसके लिए जो मटेरियल चाहिए बहुत ही कम चीजें चाहिए होंगी हमें। उसके लिए सबसे पहले ये मैंने बादाम ली है 150 ग्राम, जिसको भिगा दिया था अच्छी तरह से, और ये एक बड़ा चम्मच के करीब घी लिया है। ये थोड़ा कम भी कर सकते हैं घी, क्योंकि बादाम में अपना ऑयल होता है। और इन बादाम को हम छिलका उतार लेंगे, छील लेंगे, अभी भिगी हुई है तो फट से छिलका उतर जाएगा। देखिए ऐसे निकल जाएगा ये, देखिए छिलका इस तरीके से उतार के ऐसा बना लेंगे हम बादाम की मिंगियों को। तो इस तरह से सारी बादाम का छिलका निकाल लेंगे हम, और उनको फिर हम पीसेंगे। ये 1 कप दूध लिया है मैंने, और ये 1 छोटी कटोरी मैंने चीनी ली है, जितना बादाम है उसका आधा ली है। और ये 1 बड़ा चम्मच मैंने पोस्ता दाना लिया है, इसको भी भिगा रखा है। इसको भी मैं बादाम के साथ पीसूंगी, ये भी बहुत पौष्टिक होता है। तो इसलिए ये टोटल मिला के जो हमारा एक अच्छा सा हलवा तैयार होगा, जो बहुत न्यूट्रिशन से भरपूर होगा, और भगवान को हम भोग लगाएंगे और फिर खुद भी खाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक यमी सा टेस्टी न्यूट्रिशियस बादाम हलवा बनाना। ये अब देखिए मैंने बादामों को छील लिया है, और ये पोस्ता दाना भी पानी से निकाल के छान के डाल दिया है। अब हम इसको दरदरा सा मिक्सी में पीस लेंगे, बिल्कुल स्मूथ नहीं करेंगे, दरदरा रखेंगे। ये इसको देखिए हमने दरदरा सा ही पीसा है। इसमें मैंने पानी का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि मुझे इसी तरह का टेक्सचर चाहिए था, पेस्ट नहीं बनाना था। वैसे कुछ लोग इसको दूध में भिगा के वो दूध के संग पीसते हैं तो बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार हो कर लेते हैं, पर मुझे क्योंकि दरदरा टेक्सचर चाहिए था इसलिए ऐसा किया है। अब मैंने एक पैन चढ़ा दिया, उसमें वो देशी घी डाल दिया है। अब हम इसको करीब 10 मिनट तक ऐसे ही धीमी आंच पे भूनेंगे। कभी भी आंच तेज मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें लग जाने का खतरा होता है, और बादाम जल जाएगी ना तो बहुत खराब सा टेस्ट आएगा, कड़वा कड़वा, जो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का भोग है तो टेस्टी तो होना चाहिए। तो इसलिए धीमी आंच पे पेशेंस के साथ भूनिए। अब ये हम एक तरफ चीनी को भी इलायची के संग ऐसे पीस लिया है मैंने, और ये देखिए केसर के 8-10 स्ट्रैंड्स जो है मैंने दूध में डाल के रख दिया है कुनकुने, तो ये कलर ऑलरेडी छोड़ना शुरू हो गए। ये हम लास्ट में मिलाएंगे, क्योंकि खुशबू वाली चीजें लास्ट में मिलानी चाहिए। तो ये देखिए अब ये 10 मिनट के करीब हो चुके हैं, और ये काफी कुछ भुन गया है, हल्का भूरा रंग आपको दिख रहा होगा। तो अब इस वक्त पे मैं इसमें ये दूध जो है वो मिला दूंगी, और अच्छी तरह से, देखिए लम्स ना आने पाए, उसको अच्छी तरह से ये मिला लेंगे इसमें, क्योंकि ये भुन गया है ना तो थोड़ा कड़क हो गया, तो थोड़ा मिलाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट, और लेकिन इसको अच्छा स्मूथ सा इसके संग मिला लेंगे, और उसके बाद चीनी मिलाएंगे। ये मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो ये मैंने मलाई ली है, आज ही की दूध की मलाई है बस, ये 2-3 चम्मच मलाई है, इसको मैं फेंट ले रही हूँ, और इसके बाद इसको डाल दे रही हूँ। ये थोड़ा कैलोरी रिच हलवा है, लेकिन ये भगवान का भोग है तो इसमें दूध मलाई तो अच्छी मात्रा में होना ही चाहिए, और इससे इसका टेस्ट और अच्छा एनहेंस हो जाएगा। तो अब ये मलाई मिला के भी हम अच्छी तरह इसको उसमें मिला ले रहे हैं, तो ये काफी अच्छा टेस्ट देगा। आप देखिएगा जब तैयार होगा ना तो बिल्कुल यमी होगा, भगवान जी को भोग लगाना है तो अच्छा तो होना ही चाहिए। हम इसे अच्छी तरह से और करीब 5 मिनट भूनेंगे, जिससे ये थोड़ा रिड्यूस होगा, और ये दूध और मलाई जो है वो खोए की तरफ कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये जो हमको जैसा है हलवे का टेक्सचर होता है वहां तक लाना है, और अभी जब हम चीनी डालेंगे तो ये और लिक्विड हो जाता है। देखिए तो ये पिसी हुई चीनी हम डाल देते हैं। चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए चख तो सकते नहीं कि भोग का प्रसाद है, पर अंदाजे से आप अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। अब चीनी मिला के हमको 5 मिनट और चलाना होगा, जब तक वो टेक्सचर हमें ना मिल जाए। अब हम इसको और 2 से 3 मिनट भूनेंगे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट वो टेक्सचर आ गया है। देखिए इसे बिल्कुल ड्राई नहीं करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्ट रहना चाहिए हलवा, वो रखने पे ठंडा होने पे वो क्योंकि और थोड़ा कड़क हो जाता है, सूख जाता है। तो इसलिए बस 2 मिनट और हम चलाएंगे, और फिर निकाल के हम इसको एक कटोरी में, देखिए अब ये बिल्कुल छोड़ दिया है, आपको दिख रहा होगा ना, ये देखिए पूरा कॉगलेट हो गया है ये, तो बस यही टेक्सचर चाहिए। अब इससे ज्यादा ड्राई नहीं करेंगे। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ,
और इसको एक कटोरी में निकाल के हम लोग सर्व करते हैं। ये देखिए अब ये बन गया है, इसको मैंने ये कटोरे में निकाल लिया है। अब मैं इसको एक छोटी कटोरी में सर्व कर रही हूँ। वैसे भगवान जी को तो इस चांदी के कटोरे में ही सर्व कर देना चाहिए, भगवान का प्रसाद तो वैसे ही लगाते हैं हम। लेकिन ये मैं आपको दिखाने के लिए, देखिए इसको इस तरीके से एक छोटी सी कटोरी में मैं निकाल के दिखाती हूँ। अब इसके ऊपर हम थोड़े से चॉप्ड आलमंड्स जो हमने लिए हैं, कटे हुए बादाम, उसको डाल देंगे, और एक दो स्ट्रैंड्स हम अपने केसर के, जिससे पता तो चले ये एकदम केसरिया बनाया हुआ है हमारा बादाम का हलवा। तो ये जो दूध में है ना, वो स्ट्रैंड्स एक दो लगे हुए हैं, मैं उसको लगा दे रही हूँ उसी हलवे पे, देखने में अच्छा लगता है। तो बस ये तैयार है, और अर्पित करेंगे हम भगवान जी को बादाम का हलवा। आई होप कि कान्हा जी को भी पसंद आए और वो हम लोगों पे जल्दी कृपा बनाए रखें और इस कोरोना को भगा दें हमारे इंडिया से तो एटलीस्ट, और इस दुनिया से ही, क्योंकि ये मानव जाति के लिए खतरा होता जा रहा है। हे प्रभु, इस बार सब लोग मिलके हम प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण जी जरूर कृपा करेंगे। तो बस ये प्रसाद लगाइए और भगवान से सबके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये कृष्ण जी को हम एक भोग ये भी अर्पित करेंगे। वैसे तो भगवान जी को बहुत सारे भोग लगते हैं और उनका सबसे प्रिय माखन मिश्री है, लेकिन भगवान जी को 56 लगते हैं, उसमें से एक तो ये भी हो सकता है। तो ये आज हमने बना के सर्व किया है। आपको अगर पसंद आया है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।